नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ जलपाई अचार। सो आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 किलो जलपाई, जो कि मीडियम साइज़ का जलपाई मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम जलपाई को बीच में से थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे ताकि मसाला इसमें अच्छा से लग जाए। आप इसे टुकड़ा भी कर सकते हो पीसेस में। देखिए इस तरह कट लगाना है। जलपाई को मैंने अच्छे से कट करके रेडी कर लिया है। अब एक कढ़ाई लेना है, कढ़ाई में हम जलपाई को डाल देंगे और 1 गिलास पानी ऐड करना है और इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए उबालना है। देखिए ये अच्छे से उबल गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। जलपाई को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब क्या करना है, इसे 2 से 3 घंटा के लिए धूप में सुखाना है। तब तक हम मसाला रेडी करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे 5 से 6 चम्मच 5 फोरन यूज़ कर रही हूँ, सूखा लाल मिर्च, 1 चम्मच काले सरसों, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटा चम्मच धनिया। अब इसे धीमा आंच पे भूनना है मसाला को। मसाला अब भून चुका है। अब थोड़ा देर के लिए हम मसाला को ठंडा होने देंगे, फिर हम मसाला को कूटेंगे। मसाला को अच्छे से कूटना है। देखिए अब ये मसाला रेडी हो गया है। इसे एकदम बारीक नहीं कूटना है, थोड़ा दरदरापन ही चाहिए। देखिए मैंने जलपाई को अच्छे से सुखा लिया है। गरम कढ़ाई में हम 1 कप सरसों के तेल ऐड करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब ऐड करेंगे सूखा लाल मिर्च। गैस का फ्लेम को मीडियम रखना है और मिर्च को अच्छे से भूनना है। अब मिर्च भून गया है तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम जलपाई को। जलपाई ऐड करने के बाद अच्छे से चलाना है, तेल के साथ अच्छे से मिलाना है। अब गैस का फ्लेम को धीमा रखना है। जलपाई जब तेल के साथ अच्छा से मिल जाए तब हमें ऐड करना है कूटा हुआ मसाला को। अब ऐड करना है 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। फिर अच्छे से चलाना है जलपाई को 2 से 3 मिनट के लिए। हम जलपाई को अच्छे से भूनेंगे मसाले के साथ धीमा आंच पे। देखिए अब ये अचार जो है वो रेडी हो गया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब जलपाई अचार ठंडा हो जाएगा तब फिर से इसे अच्छे से चलाना है। अब मैं ले रही हूँ कांच का बोयम। कांच का बोयम यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा होता है। अब जलपाई को हम इसमें डालेंगे।
एक किलो जलपाई के लिए 1 किलो वाला कांच का बोयम चाहिए। देखिए मैंने जलपाई को बोयम में डाल लिया है। अब इसी मसाला वाला कढ़ाई में हम 1 कप सरसों के तेल ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम को धीमा रखेंगे और हल्का सा तेल को गरम करेंगे। तेल थोड़ा सा गरम होने के बाद तेल को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब तेल ठंडा हो गया है तो अब हम तेल को अचार में डालेंगे। देखिए अचार हो गया है रेडी। आप लोग को जलपाई का अचार कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड तक बने रहने के लिए आप सबका थैंक यू।